नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र परते आपके अपने YouTube चैनल देसी रोमांच में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं झूठी घाट डैम, जो कि तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश में आता है। देख सकते हो दोस्तों, ये जो नहर है वो वहीं से निकल के आ रही है डैम से। बहुत ही शानदार और रोमांचक जगह है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप देख सकते हो दोनों तरफ नहर के दोनों तरफ दोस्तों घना जंगल है, जो कि सतपुड़ा का पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में से एक है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा है दोस्तों इधर का। अभी हम दोस्तों जा रहे हैं। ये दोस्तों लालबर्रा से लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है ये वाला डैम, जो कि वैनगंगा पर बना हुआ है। दोस्तों वैनगंगा नदी का उद्गम मुंडारा जिला सिवनी से जिला सिवनी में हुआ है, जो कि वहीं से बहती हुई इधर आती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, पिकनिक स्पॉट और पर्यटक स्पॉट दोनों है। इसमें दूर दूर से यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं हम दोस्तों। ये नहर वाली शॉर्टकट रोड से जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। दोस्तों नहर सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस नहर का। ये देख सकते हो दोस्तों कितना घना जंगल है इधर से, जगह भी बहुत शानदार है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सामने में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। अब ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डैम वैनगंगा नहर प्रणाली। देख सकते हो गए अब बालाघाट, मध्य प्रदेश। यह है दोस्तों खूबसूरत जगह जो वैनगंगा से बहती हुई आती है दोस्तों। ये बालाघाट के लालबर्रा क्षेत्र में आता है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है दोस्तों। आप यहाँ पे सिर्फ बाय रोड द्वारा ही पहुंच सकते हैं बालाघाट लालबर्रा होती हुई। बहुत ही शानदार रमणीक जगह है, रोमांचक जगह है दोस्तों। दोस्तों वैनगंगा नदी पर बना हुआ है ये। दोस्तों अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, लगभग इसको 100 साल हो चुके हैं। बाढ़ का पानी दोस्तों ये डैम के ऊपर से बह के जाता है। देख सकते हो ये डैम है, उसके ऊपर से बह के निकलता है दोस्तों बाढ़ का पानी।
टाइम देखो दोस्तों पूरे पत्थर ही पत्थर है और पूरा जंगल वाला एरिया है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। इस तरह से दोस्तों पानी बहती हो जाता है जब बाढ़ का पानी जाता है तो। यह दोस्तों इसकी नहर, यह दोस्तों सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस नहर का और इस पानी का। देख सकते हो ये नहर दोस्तों इधर वारासुनी खैलांजी तक गया हुआ है। तो थोड़ा नीचे में आए उसका पोर्शन वाला भाग है, नीचे से थोड़ा सा इस तरह से नजर आता है। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत शानदार लगता है। अब इसका देख सकते हो कि पानी पूरा दूध जैसे सफेद सफेद जो गिर रहा है, बहुत ही लाजवाब और सुंदर है दोस्तों। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, लगभग 100 साल इसको हो चुके हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग लगभग 100 से 200 मीटर तक इसकी लंबाई होगी दोस्तों, जहां तक कि नदी चौड़ी है वहां तक की 200-300 मीटर लगभग लगभग लंबा है ये। देख सकते हो तो ये नीचे का भाग है, तो पत्थर है के दोनों तटों में जंगल बसा, जंगल है इसके दोनों तटों की तरफ से। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए भी हैं देखने के लिए। बहुत खूबसूरत है दोस्तों। ये देखो दोस्तों हम थोड़ा नीचे आए हैं, यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं दोस्तों, छड़ी वगैरह पकड़े हुए हैं, छड़ी विधि से इन लोग मछली पकड़ रहे हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों, कब मछली आएगी क्या करेगी। ये नीचे का भाग आ जाता, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। लाजवाब है दोस्तों ये दृश्य। दोस्तों हम अभी नीचे उतर रहे हैं, वो वाला भाग है ये। हमारे कुछ साथी लोग आगे भी चले गए हैं। ये
दोस्तों थोड़े नीचे से उतरे, देखो इस तरह से नजर आता है यहाँ के दृश्य। ये देखो दोस्तों हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं डैम के नीचे में। ये दोस्तों यहाँ का भाव है, किस तरह से पानी नीचे आ रहा है। ये दोस्तों हमारे छोटे भाई अनिल बरते, कभी अभी भी एक YouTube में ब्लॉगर का काम कर रहे हैं, नया चैनल है अनिल परते के नाम से। ये देखो नीचे वाला भाग दोस्तों बहुत ही शानदार और खूबसूरत। बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये देखो दोस्तों इस तरह से नजर आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम लगभग दोस्तों 3:30 बजे 3:30 बजे तक पहुंचे थे यहाँ पे। ये दोस्तों ये हमारे छोटे भाई लोग हैं, इन साथ में हम एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे नहा धो कर रहे हैं। ये मैं हूँ दोस्तों जो नहा रहा हूँ। ये हमारे मित्र दोस्तों यहाँ पे पिकनिक स्थल बहुत शानदार है इसका, बहुत ही लाजवाब है। ये आप भी आकर के इस तरह से यहाँ का एंजॉय ले सकते हो। ये देखो देश सब तरह से वीडियो लेने की कोशिश किए हैं जितना हमारे से हो सकता है दोस्तों। इतना शानदार है, उतना खूबसूरत, शानदार खूबसूरत और रोमांचक स्थान है दोस्तों। आप अपने फैमिली के साथ में भी यहाँ पे आकर के इसको एंजॉय ले सकते हो, पिकनिक के तौर में भी आ सकते हो यहाँ पे आप। बहुत खूबसूरत स्थान है दोस्तों। ये दोस्तों नीचे वाला भाग, यहां से वाला पानी निकल के बहता है।
काफी लंबा चौड़ा एरिया है दोस्तों इसका नदी का, ये देख सकते हो बाढ़ आता है दोस्तों यहाँ से पूरा फुल हो जाता है पानी। ये दोस्तों पे हम लोग नहा रहे हैं, आसन लगाए हुए बैठे हैं। अब हम दोस्तों वापस जा रहे हैं, लगभग एक डेढ़ दो घंटे बिताने के बाद में हम दोस्तों वापस जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत स्थान है दोस्तों। इस तरफ में दोस्तों इसके लेफ्ट तरफ में आप देख सकते हो जंगल है, वहां से दोस्तों नदी बहती जाती है। दोस्तों कितना खूबसूरत स्थान है, जंगल भी बहुत शानदार है। सब दोस्तों फतपुरा घने जंगलों में से आते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं जो सतपुड़ा घने जंगल है अमरकंटक से लेकर बड़वानी तक फैला हुआ है, इसकी पहाड़ियां और जंगल। सतपुड़ा माइकल सेने के नाम से जाना जाता है इसको। देख सकते हैं इसको बहुत ही खूबसूरत और शानदार पहाड़ी यहाँ इधर से नजर आती है, नजर आई बहुत शानदार दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। नहर से भी जाती है, बहुत शानदार नजारा है इसका। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, आपको यहाँ पे सब कुछ नजर आएगा, जंगल पहाड़ पानी नदी डैम सब कुछ नजर आएगा दोस्तों। दोनों तरफ जंगल है दोस्तों, ये जो
यहाँ पर रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप ये दिखाने के लिए रुकेंगे। ये जो नहर जा रहा है दोस्तों, ये ऊपर से है, नीचे से दोस्तों बहुत बड़ा नाला है, और नहर के लिए ऊपर से और आने जाने के लिए ऊपर से इसकी व्यवस्था की गई है। आप अभी देख सकते हैं, वो अच्छा देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों जहाँ से हम बता रहे थे, देखो तो ये नीचे से नाला है और ऊपर से नहर के लिए ये देख सकते हो दोस्तों, ये नाला बह रहा है नीचे से, बहुत बड़ा है। ये भी दोस्तों जाकर के वहीं मिल जाता है वैनगंगा नदी पर। ये बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों यहाँ के लिए, आप यहाँ पे आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों बड़ा बड़ा नाला है, देखो दोस्तों ये ऊपर से गाड़ियां आने जाने के लिए और नहर के लिए ऊपर से बनाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों ये भी स्थान, ये देख सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो इसी तरफ दोस्तों नाला बह करके आ रहा है दोस्तों, है नहर इस नहर रोड है इस। देखो दोस्तों ये नहर बीच से आ रही है, कैसा नाला जा रहा है बहते हुए, रोड भी यहीं से दे दिया गया दोस्तों, रोड को भी देखो ये सब जा रहे हैं। तो ये वाराणसी की तरफ नहर जा रहा है बहती हुई, और दोस्तों खूबसूरत सनसेट, खूबसूरत नज़ारा, दिन का डूबता हुआ, सूरज का डूबता हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, शानदार और लाजवाब लग रहा है। फाइनली हम दोस्तों 6 बजे तक लाल बर्रा पहुंच चुके हैं, और ये दोस्तों लाल बर्रा का गार्डन है दोस्तों। लाल बर्रा बालाघाट की तहसील है, और ये सिवनी बालाघाट मुख्य मार्ग से लगा हुआ है, उसी में वहीं से उसी मार्ग से होती हुई गाड़ियां रोड जाती हैं। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गार्डन लग रहा है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक
शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।